हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये जो होम रेमेडी है, ये मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और आप इसको सिर्फ अपने फेस पे ही नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी पिगमेंटेशन, डार्कनेस, डलनेस और अनइवन स्किन टोन है। इसके अलावा आपको टैनिंग का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स पर बहुत अच्छे से काम करती है। मैं ज़्यादातर इसको अपने नेक पे, अंडर आर्म्स के एरिया पे, अगर डार्कनेस है, ब्लैकनेस है, ऐसी जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी स्किन को इवन कर सकते हैं, पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। फेस पे भी अगर आप इसको यूज़ करते हैं रेगुलर, तो ये आपके रिंकल्स, डार्कनेस जो है, स्पॉट्स हैं और फाइन लाइन्स, रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो आप इसको उपटन भी कह सकते हो और आप इसको स्क्रब भी कह सकते हैं। तो इसको मैं बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं बहुत कम होम रेमेडीज़ करती हूँ, पर कुछ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कि जिनको मैं बार बार करना पसंद करती हूँ। तो आज मैंने ये उपटन तैयार किया था और मैं इसको यूज़ करने वाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर इस उपटन को बनाना कैसे है। जो उपटन है, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए देसी चिकपी, मतलब जो काले चने होते हैं आपको वो चाहिए, मूंग दाल चाहिए होल, जो ग्रीन ग्राम होती है वो चाहिए। उसको आप रात भर के लिए भिगो के रख सकते हैं। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको फेस पे सिर्फ लगाना है तो थोड़ी कम क्वांटिटी लीजिए, अगर पूरी बॉडी पे उपटन करने के लिए आप बनाना चाहते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी ले लीजिए। रात भर भिगो के रखिए। सुबह का क्या करना है, जो पानी है उसका वो निकाल दीजिए और साफ पानी डाल के उसको, उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो जो कुछ पेस्ट है वो ऐसा लगेगा। अब इस पेस्ट में आपको सिर्फ लेमन की कुछ ड्रॉप्स ऐड करनी है। जो देसी चिकपी होता है, काला चना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, जैसे स्कार्स को फेड करेगा, रिंकल्स, फाइन लाइंस जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। जो ग्रीन ग्राम होती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। सारे जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ग्रीन ग्राम यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये स्किन से पिगमेंटेशन, टैनिंग, डलनेस, स्कार्स को दूर करने में, एक्ने को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें लेमन मैंने यूज़ किया है। लेमन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दूर करता है। तो आपको सिर्फ ये तीन चीज़ें लेनी है और अच्छे से मिक्स करके कुछ ऐसा पेस्ट बना देना है। आपको इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर लेमन आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता है। मैं भी अगर डायरेक्ट स्किन पर लगाऊं तो नहीं करेगा, पर हमेशा किसी चीज़ के साथ मिक्स करके लगाती हूं तो लेमन मेरे स्किन पर अच्छे से काम करता है। तो कुछ आपको इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को आप अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, आप अपने हाथ पैरों में, अंडर आर्म्स में, प्राइवेट पार्ट्स में भी, अगर डार्कनेस है वहाँ पर भी आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। और ये एज अ स्क्रब भी काम करता है और उपटन के जैसे भी आप इसको अपने बॉडी की गंदगी निकालने में, डार्कनेस, पिगमेंटेशन, डलनेस, टैनिंग को दूर करने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको बस अच्छे से मसाज कर करके आपको लगाना है। एक दो मिनट तक मसाज कीजिए और नॉर्मल वाटर से आप इसको वॉश कर लीजिए। जब आप इसको वीक में 2 से 3 बार यूज़ करेंगे तो ये आपके स्किन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, पर जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तब ये आपके स्किन से जो भी गंदगी है उसको दूर करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, आपको फ्रेश फील होगा, काफ़ी अच्छा लगेगा और बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मार्केट में जो उपटन्स वगैरह मिलते हैं उनमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो क्यों ना घर पर आप खुद अपना उपटन बना के तैयार कर लो, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी आप इसको लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले लगा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले लेमन इसमें ऐड ना करें और लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, जैसे मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते लेते, बहुत सारे क्रीम्स वगैरह यूज़ करते करते हमारे स्किन पर डेड स्किन सेल्स हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है आपकी स्किन पे और प्रोडक्ट्स काम करने बंद कर देते हैं, इसलिए स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना चाहिए। तो अगर आपको स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने हैं तब यूज़ नहीं करो, थोड़े बहुत
एक्ने है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एक्ने है तो आपको धीरे धीरे मसाज करते हुए लगाना है, नहीं तो और किसी भी स्किन टाइप वालों को अच्छे से मसाज करते करते अपनी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना है, गंदी को रिमूव करना है, डर्ट पॉल्यूशन जो भी है उसको रिमूव करते हुए अच्छे से मसाज करते हुए इसको अप्लाई करना है, वॉश कर देना है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, मुझे बहुत पसंद आता है, मेरी स्किन पे अच्छे से काम भी करता है, और बिल्कुल एक बार यूज़ करना, कमेंट करके बताना कि इसके रिजल्ट्स कैसे मिले। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।